कैसेडे सी का काम करने का वक्त देखे होंगे जिसके जो अपने को ड्रेन लाइन रहता है ना उसके ऊपर यू बने हुआ रहता अपने को ऐसे के यू ड्रॉप ऊपर के साइड में बने हुआ रहता अब इसका रीज़न क्या है एक तो जो है अपने को ये यू ड्रॉप आम तौर पे जब एक लाइन रहती है अपने को ड्रेन और उसके अंदर जो है एक से ज़्यादा मशीन कनेक्ट रहते मतलब दो तीन मशीन अगर उसके अंदर कनेक्ट है बोले तो आमतौर पर ऐसे कि यू बना के डालते अब उसका मेन रीज़न क्या है बोले तो अपने को इसके अंदर ड्रेन पंप लगे हुआ रहता अब ड्रेन पंप पानी फेंकता ना फेंकने तो जब क्या होता एक मशीन का पानी जो है दूसरी मशीन में नहीं जाना बोले ऐसा यू बना के रखते क्योंकि अगर अपन स्ट्रेट एक लाइन लगा दिए समझो तो ये मशीन में का पानी वो मशीन में चला आता वो मशीन का ये मशीन में आता तो ऐसा नहीं होना बल्कि अपन ऐसा यू बना के रख देते यू बनाने की वजह से क्या होता एक मशीन का दूसरे में भी नहीं जाता और पानी रिटर्न में नहीं आता जहां पे अपने को एक मशीन में अगर सिंगल मशीन में लगाए समझो तो एक बार उन्हें पंप जो है पानी फेंक दिया पानी फेंकते कि फिर अपने को रिटर्न मशीन में नहीं आता तो सेम मेरे को एक प्रॉब्लम आया था ये जो है अपन मशीन खोले इसमें क्या हो रहा था बार बार जो है ए त्री का अलार्म आ रहा था ए तरी का मतलब जो है पंप का कुछ अगर प्रॉब्लम रहे तो आता

तो ऐसा लगाए तो क्या होता अपने को अब देखो कैसेडे सी अपने को पूरा सीलिंग को लगे हुआ रहता अब ये सीलिंग है बोले तो सीलिंग के हाइट को कैसेडेसी अटैच रहता अगर अपन ड्रेन पाइप यहाँ पे कनेक्ट करें तो उसको थोड़ा ड्रेन को स्लोप में रखना पड़ता तो जाहिर है सीलिंग के नीचे से पूरा दिखा लेते लेके जाना पड़ता इसलिए क्या है वैसा सही से फिट नहीं होता बोल के ड्रेन पंप लगाते कैसेडे सी में ड्रेन पंप लगा के ऐसा सीलिंग के अंदर पाइपिंग देते समझो ड्रेन लाइन तो आई होप के समझ में आ गया हूँ ये यू ड्रॉप कहीं को बनाते ऊपर के साइड में नीचे के साइड में तो जो है डक्टेबुलों में रहता वो अलग है डक्टेबुल के वीडियो में है वो और ये जो है ऊपर के साइड में जो यू ड्रॉप बनाते ना वो इसीलिए बनाते कि एक मशीन का पानी दूसरे मशीन में नहीं जाना बोले ऐसा